नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। हालांकि बिहार में अभी कोरोना की रफ्तार धीमी है। पटना में कोरोना के गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी पत्नी के साथ IGIMS पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना का टीका लिया और लोगों से अपील किया कि वो लोग भी कोरोना का टीका लगवाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगवाया। और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं, जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को ज़रूर लें। हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, कोरोना को बढ़ने से रोका है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या विगत कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अपने राज्य बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, जांच को हमने बढ़ाया है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। ऐसे ही दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।